Today I am going to discuss a very important term with you which is being often discussed in research. You must be aware of the concept of research replicability but here I am going to discuss the concept which is a little variant than that and it is research reproducibility. Research reproducibility in research is important to validate finding. Now to see what it is actually रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज डिफाइंड एज वेन अ रिसर्चर इज एबल टू डुप्लीकेट द सेम फनोमिना इवन वेन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन आर वेरिड ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है कि जब सेम कंडीशंस हों तो हम एक एक्सपेरिमेंट के बाद सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं बट द रिसर्च रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज डिफरेंट इन अ वे कि जब आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशनस जो हैं वो वेरिड हों लेकिन फिर भी सेम रिजल्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा सकें replicability is defined as when researcher is able to obtain same results when the experiment is conducted under same experimental conditions this is something which is a very early lessons for a psychology student hamesha se हम replicability ki karte understand karte hain same testing conditions we will be going to achieve same testing results although reproducibility is promoted in science researchers are not keen to replicate or read पब्लिश रिसर्च ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम रिप्लिकबिलिटी की तो बात करते हैं बट हमने कभी इन ट्रू सेंस रिप्रोड्यूसिबिलिटी की तरफ एफ़र्ट नहीं की उस पर पब्लिश रिसर्च को ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसको हमने कभी सर्च नहीं किया और ये नहीं देखा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक आ, ऐसी रिसर्च जो कि रिपब्लिकबिलिटी के, के ज़ुमरे में आती है उसको हम रिप्रोड्यूसबलिटी के सेक्शन के तौर पर भी स्टडी करके देखें कि आयदर कौन से ऐसे कन्फाउंडिंग uh, वेरिएबल्स हैं जिनको कंट्रोल करने की वजह से हम उस रिसर्च को इवन रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं मोर ओवर द पब्लिश वर्क इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रिप्रोड्यूसेबल बट इट्स रियली टेस्टेड ऑन द अदर ग्राउंड लेटर जैसे कुछ बहुत ट्राइड एंड टेस्टिंग फिनमिनाज हैं अगर हम उन्हें डिफरेंट नॉर्म्स के ऊपर ट्राई करते हैं तो वहाँ पर वो उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी हाई होनी चाहिए लेकिन हम इस कॉनोटेशन के अंदर मोस्टली पब्लिश रिसर्च को नहीं पढ़ते और हम उसको ट्राई और टेस्ट नहीं करते

क्लियर कट ब्लैक एंड वाइट में मौजूद ना हो क्योंकि अगर हमारे पास सेम कंडीशन मौजूद होगी तो ही हम उन सारे डू एंड डोंट्स को अप्लाई करेंगे और उस रिसर्च को हम रिप्रोड्यूस करेंगे शेयर द रिसर्च आउटपुट्स इन एन ओपन एक्सेस रिपोजटरी टू मेक दम एक्सेसिबल दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब हम एक रिसर्च की रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात करते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी है कि अगर सेम टेस्टिंग कंडीशन में सेम साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के साथ उस रिसर्च को रेप्लीकेट किया तो क्या उसके रिजल्ट एक्यूरेट और सिमिलर थे वो एक्ूरेट और सिमिलर रिजल्ट्स के लिए हमें अपने रिसर्च रिजल्ट्स को एक ओपन रिपोर्टरी के ऊपर पब्लिश करना भी ज़रूरी है आपने देखा होगा कि बहुत कम आ, लेकिन बहुत ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो आपसे डेटा सेट्स भी मांगते हैं और उसके बाद वो अपने जो है वो रेपोजिट्री में उन रिजल्ट्स को भी रखते हैं और आपसे ये परमिशन लेते हैं कि अगर कोई साइंटिफिक क्योरी आई और आपके इन रिजल्ट्स को किसी को देखना हुआ या उसे अपनी रिसर्च में यूज करना हुआ तो आप उसे यूज करने की परमिशन देंगे सो बेसिकली दिस इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस कि आप अपनी रिसर्च जो है उसके कंडीशंस को सामने रखते हुए उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो टेस्ट कर सकें परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद वेरिएशन टू इंक्रीज द ऑफ योर फाइंडिंग्स दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स बार बार ट्राई करके देखें और फिर उसके बाद अपनी फाइंडिंग्स को बेहतर से बेहतर बना सकें रिफ्रेन फ्रॉम डेटा फेब्रिकेशन और मैनिपुलेशन दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है जिसकी हम बार, बार बार बात करते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन और इज नॉट एट ऑल अलाउड ये बहुत बड़ा एक अनएथिकल ऑफेंस है जिसे सब रिसर्च को रिफ्रेन रहना चाहिए हाउ एवर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट रिप्रोड्यूसिबल रिसर्च इज नॉट ऑलवेज करेक्ट दिस इज वेरी सरप्राइजिंग टू से दैट इफ यू बिलीव दैट वेन एवर द रिसर्च इज बी रिप्रोड्यूस्ड इट वुड बी हैविंग द सिमिलर रिजल्ट विच द ओरिजिनल रिसर्च हैज गिवन बट ये बात करेक्ट नहीं है क्योंकि जब हम एक नॉम्स को चेंज करते हैं एक टेस्टिंग कंडीशन को चेंज करते हैं तो हमारे रिसर्च रिजल्ट जो हैं वो डिफरेंट आ सकते हैं विच कैन से जो रिज्यूम पहली रिसर्च में बात की थी वो उस तरह से करेक्टली हमारी रिप्रोड्यूसिबिलिटी के अंदर करेक्ट नहीं हो रही फॉर एग्जाम्पल देर आर मेनी इंस्टेंसिस टू फॉलो फॉल्स पॉजिटिव इन पब्लिश रिसर्च हम देखते हैं कि बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स जो हैं वो भी रिसर्च में पब्लिश हुए होते हैं और जब आप उनको उनकी रिक रेप्लिकबिलिटी करेंगे तो वो फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएंगे देन बैड क्वालिटी ऑफ डाटा एंड डाटा अनालिस समटाइम्स आपने डाटा की क्लीनिंग नहीं की उसके आउटलायर्स नहीं निकाले और सिंपल डाटा अनालिस कर लिया जिसकी वजह से आपका जो डाटा अनालिस है वो एक बैड डाटा अनालिस कहलाएगा देन पुअर स्टडी डिज़ाइन अगर स्टडी डिजाइन ही प्रॉपर्ली नहीं बनाया गया उसके अंदर सैम्पल जो है उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया स्ट्रिंजेंट नहीं है उसके अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से सैम्पलिंग नहीं की गई और उसका फ्रेम नहीं बनाया गया तो वहां पर वो रिसर्च डिज़ाइन एक पुअर रिसर्च डिज़ाइन होगा और उसको अगर आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो अगर उतना ही पुअर है तो फिर जहरी बात है कि उसके रिसर्च रिजल्ट कभी भी ओथेंटिक नहीं आ सकते एंड देन मिस्ड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स अगर लिस्ट आउट नहीं किए गए प्रॉपर तरीके से कि एक रिसर्च के कंफाउंड वेरिएबल्स क्या होंगे तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मिसलीड द रिजल्ट्स एंड ओमिटेड डाटा पॉइंट्स जब आपने अपने जो डाटा है उसके पॉइंट्स को ओमिट कर दिया है उसको आपने प्रॉपर तरीके के साथ क्लीन नहीं किया अगर आप एस के अंदर अपना डाटा डाल रहे हैं और आपके जो डाटा की ओवरऑल आपने उसका नॉर्मल कर्व नहीं देखा आपने उसके ऊपर बाकी टेस्टिंग कंडीशंस अप्लाई नहीं किं तो वहाँ पर भी आपके रिसर्च के रिजल्ट जो हैं वो अनवैलिड हो सकते हैं एंड इन रिजल्ट टू डैट जब वो डाटा आप रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो रिजल्ट भी इनकरेक्ट हो जाएंगे